बहुत अच्छे इंसान हैं, रात में भी इन्होंने खाना खिलाया था मेरे को। सुकुड़ी नदी तो देख सकते हैं गाइस, रास्ते में खाना मेरे लिए पहुँचा गया। आपका नेम क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 14 तारीख और मैं रुका था श्री राम झोपड़ी ढाबा केदर वाला और ब्राह्मण जी का ढाबा है। और ये इन्होंने मेरे को कंपनी दी थी नाइट में, बहुत अच्छे इंसान है, रात में भी इन्होंने खाना खिलाया था मेरे को और अपना पूरा गांव दिखाया था और सुबह भी चाय और नाश्ता कराया है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो इनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। ऐसे ही लोग मिलते रहेंगे तो बिल्कुल जर्नी सफल हो जाएगी। और यहाँ से गुजरात आज स्टार्ट हो जाएगा लंच के बाद, तो आगे की जर्नी देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू बैक माय चैनल बीइंग नोमैडिक। अभी मैं पहुंच चुका हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिरोही ज़िले में था लास्ट नाइट, पिंडावला कवर करना था, तो वहां से करीब 10 किलोमीटर आगे मैं रुका था, एक गांव था वहां पे मैंने स्टे किया था, मतलब होटल पे स्टे किया था, बट उन्होंने अपना गाँव भी घुमाया था और काफ़ी अच्छे पर्सन थे, सारे मंदिर सब कुछ दिखाया, खाना भी फ्री में खिलाया और सुबह चाय नाश्ता भी कराया। उसके बाद अभी मॉर्निंग में मैं निकला हूँ 7 बजे। तो आज है 14 फरवरी, जैसा कि आप देख सकते हो 14 फरवरी, और आज है संडे। तो जैसा कि मैं निकला हूँ वहाँ से और आप देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे, ये नहर है, मतलब ये अच्छा क्षेत्र है, यहाँ पे खेतीबाड़ी भी अच्छी होती है देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर रुका हुआ था मैं और अभी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से माउंट आबू रोड है करीब 35 किलोमीटर, और माउंट आबू रोड से करीब 15 किलोमीटर बाद गुजरात स्टार्ट हो जाता है। तो होपफुली आज हम गुजरात में होंगे और कल हम गांधीनगर पहुँच जाएंगे। तो कंटिन्यू जर्नी में बने रहिए और इसी तरह से सपोर्टिव पर्सन मिलते रहेंगे तो दिन भी अच्छे होते रहते हैं और जर्नी का मज़ा भी आता है, एडवेंचर भी होता है। कितने कितने अच्छे लोग मिले अभी तक मेरे को जर्नी में, तो इस जर्नी को अच्छा बनाने के लिए आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। और नेचर को क्लीन और ग्रीन रखने के लिए साइकिल का यूज़ कीजिए, पैडलिंग बहुत ही कंपलसरी हो गई आज की डेट में। वी स्टार्ट जर्नी विद माउंटेन्स व्यू। सुबह हो तो ऐसी हो, सुबह सुबह राइडिंग का मज़ा अलग ही होता है। गाइस, ये जगह है स्वरूपगंज और हमें जाना है माउंट आबू रोड पे। तो अभी करीब वही 33 किलोमीटर बचा है और आप देख सकते हो जगह कुछ इस तरह की है स्वरूपगंज, और सामने है माउंटेन्स, ये माउंट आबू बोलते हैं इसे, और हमें जाना है इसी रोड पे। ये इसके साथ ही घूमता हुआ रोड है और देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो गाइस, सूर्योदय हो चुका है और नेचुरल खेती के साथ हम अपना दिन बिता रहे हैं। चुका है 8:30 का और माउंट आबू करीब यहाँ से 15 किलोमीटर दूर और है, तो बस पहुँचने वाले हैं माउंट आबू रोड। तो लंच से पहले गुजरात में एंटर हो जाएंगे। तो इस लाइन पे करीब 20 किलोमीटर चलते हुए आ रहा हूँ मैं, अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस लाइन को, रेलवे लाइन को, और देख सकते हो डबल डेकर ट्रेन भी है यहाँ पे, जो लगेज वाली है ये, तो ये डबल कंटेनर चढ़ के जाते हैं। तो फाइनली गाइज, हम पहुँच चुके हैं माउंट आबू रोड पे, न्यू रोड गया माउंट आबू के लिए,
और देख सकते हो ये वाला जो गया है अम्बा जी के लिए, ये करीब 10 से 15 किलोमीटर के बीच में गुजरात आ जाएगा। और ये देख सकते हैं ये चौक है, तो ये सामने वाला रोड गया है माउंट आबू के लिए और ये अम्बा जी के लिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब मेरा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, अब गुजरात में एंटर हो रहा हूँ चौथे स्टेट में। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो देख सकते हो गाइस, रास्ते में चलते हुए बहानों से कितने सारे पक्षी मरते हैं। तो इसका हटा के साइड में रख देता हूँ मैं। तो गाइस, फाइनली गुजरात बॉर्डर पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर गुजरात बॉर्डर है। और जो मैंने आपको बताया था माउंट अबू वो चौक था, वहाँ से 18 किलोमीटर अंबाजी टेंपल है और वहाँ से हाईवे लग जाता है, उससे पहले बॉर्डर लग जाएगा गुजरात का। तो अभी मैं रास्ते में जा रहा था और रास्ते में एक नदी पड़ी है फर्स्ट टाइम, जो चालू है, मतलब पानी बह रहा है उसमें। बाकी तो सूखी नदियाँ मिली हैं बहुत सारी, तो आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा नेचुरल वाटर दिख रहा है मेरे को और बहुत हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा काम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के मुझे। और टाइम हुआ है अभी 10:45 का, देख सकते हैं आप 10:45 का टाइम हुआ है। तो ये रही नदी, ये है नदी, और ये देख सकते हो इसके अंदर मछलियाँ भी हैं। ये नदी, इसको बोलते हैं सुकुड़ी नदी। सामने एक टेंपल भी है, भैया लोग वहाँ पे पूजा करने गए हुए हैं, अभी यहाँ से मेरे से मिलके गए थे। तो ये नदी हल्का पानी बह रहा है बट बहुत अच्छा है, नेचुरल पानी है ये, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है लोग यहाँ नहाते भी हैं इसमें, तो मन तो मेरा भी कर रहा है नहाने का, बट देखते हैं। इतनी सारी मछलियाँ हैं, वाव यार, थोड़ा पास में जाके दिखाना चाहिए। तो गाइस, फाइनली टाइम हो चुका है 11:30 का और हम गुजरात राज्य में एंटर हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब जर्नी स्टार्ट हुई गुजरात की, इसमें अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा कवर होगा, उसके बाद हम मुंबई के लिए निकलेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए जर्नी में और बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, ये इधर का एरिया है राजस्थान का, ये देख सकते हो, और इधर का एरिया है गुजरात का। तो गुजरात में फाइनली एंटर हो चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं जर्नी गुजरात में। तो देख सकते हो गाइस, रास्ते में चलते हुए बहानों से कितने सारे पक्षी मरते हैं। तो इसका हटा के साइड में रख देता हूँ मैं इसको। पर्सन मिले थे मुझे रास्ते में, मिस्टर संजय जी, उनका पिक मैं आपको दिखा दूँगा। तो उन्होंने खाने के लिए पूछा और मुझे अंदर ले आए और ये खाना मेरे लिए पहुँचा गया। आपका नेम क्या है? ओके ओके, सर ने मेरे को खाना दिया है यहाँ पे और ये खाना खाने के बाद फिर आगे की जर्नी करेंगे। थैंक यू। तो गाइज, अभी हम अंबाजी टेम्पल में हैं, देख सकते हैं आप कितनी सारी भीड़ हो रखी है यहाँ पे।
और मेरे को मिले थे मिस्टर संजय जी, तो उन्होंने यहाँ पे लंच कराया मेरे लिए। और देख सकते हो काफ़ी ये अम्बा जी का सारा है यहाँ पे टेंपल, काफ़ी दूर से लोग आते हैं, तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे मैं आया था अभी, तो उन्होंने मेरे को लंच कराया, लंच के लिए प्रिपेयर किया, और वो रिपोर्टर भी है, उनका रेस्टोरेंट भी है, तो काफ़ी अच्छा वेलकमिंग हुआ है गुजरात में। और अपनी जर्नी को हम कंटिन्यू करेंगे दोबारा यहीं से। तो भाई देख सकते हो क्राउड कुछ इस तरह का है यहाँ पे।